मैं इस फेस्टिवल के आयोजकों को सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां बड़ी संख्या में विदेशों से हमारे मेहमान भी आए हैं। एक समय था जब लोग भारत आते थे तो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी देखकर दंग रह जाते थे, हैरान हो जाते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक डाइवर्सिटी को देखकर भी हैरान होते हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करने से लेकर स्ट्रीट फूड और शॉपिंग एक्सपीरियंस तक भारत की फिनटेक क्रांति चारों तरफ दिखती है। पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। दस साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है। आपको याद होगा, कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे वो? पूछते थे कि भारत में बैंक इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। साथियों, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी ने
एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। कभी लोग कहते थे कि कैश इज किंग, आज दुनिया का करीब करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। पूरी दुनिया में भारत का यूपीआई फिनटेक का बहुत बड़ा उदाहरण बन गया है। आज गांव हो या शहर, सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या बर्फ गिर रही हो, भारत में बैंकिंग सर्विस 24 घंटे सातों दिन 12 महीने चलती रहती है। कोरोना के इतने बड़े संकट के दौरान भी भारत दुनिया के उन देशों में था जहां हमारी बैंकिंग सर्विस बिना किसी दिक्कत के चलती रही। साथियों, अभी 2-3 दिन पहले ही जनधन योजना के 10 साल पूरे हुए हैं। जनधन योजना विमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा माध्यम बनी है। जनधन योजना के चलते करीब 290 मिलियन यानी 29 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले हैं। इन खातों में महिलाओं के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए नए अवसर बनाए हैं। इन्हीं जनधन खातों की फिलॉसफी पर हमने माइक्रो फाइनेंस की सबसे बड़ी स्कीम मुद्रा लॉन्च की। इस स्कीम से अभी तक 27 ट्रिलियन रुपए से अधिक का क्रेडिट दिया जा चुका है। 27 ट्रिलियन इस स्कीम की करीब 70% बेनिफिशियरी महिलाएं हैं। जनधन खातों ने महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी बैंकिंग से जोड़ा। इसका फायदा आज देश की 10 करोड़ रूरल विमेन को मिल रहा है। यानी जनधन प्रोग्राम ने महिलाओं के फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की एक मजबूत नींव रखी है। साथियों, पूरी दुनिया के लिए पैरेलल इकोनॉमी एक बड़ी चिंता का विषय रही है। फिनटेक ने पैरेलल इकोनॉमी पर भी चोट की है और बधाई के पात्र आप लोग हैं। आपने ये भी देखा है कि कैसे हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है। आज लोगों को फॉर्मल सिस्टम से जुड़ने में अपना लाभ नजर आता है।